क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज माही सुपर किचन में लाई हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में किसी भी त्योहार में बन सकती है। अक्सर हम त्योहार के टाइम बहुत सारी मिठाई बनाना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि त्योहार के टाइम मावा सही बिल्कुल भी नहीं मिलता। मावा नकली हो, उससे बनाए बीमार हो, इससे तो अच्छा है आज आप गुलाब जामुन सूजी से बनाएं। खास ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो सूजी की गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनेंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये गुलाब जामुन सुपर सॉफ्ट तो बनेंगे ही, लेकिन इसकी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा बनेगी। बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस गुलाब जामुन को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम समय में बन जाता है। तो बिल्कुल हलवाई की तरह गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो मैंने इस तरीके के कप से एक कप सूजी ली है, 1.5 कप चीनी लिया है, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है, गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम लिया है और दूध लिया है। सबसे पहले एक पैन या कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें हम लोग 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इस घी में आप 1.5 कप डाल लीजिए दूध। दूध कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपके घर में आता है, चाहे वो कच्चा हो या पहले से पका हो, जो भी हो। जिस कप से मैंने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने दूध डाला है इसमें। अब इस दूध को हल्का सा उबाल आना शुरू हुआ है, गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और धीरे धीरे सारी सूजी डाल देंगे। ये खास ट्रिक है, इससे आपकी सूजी में बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। लम्स नहीं आएंगे तभी ये गुलाब जामुन अंदर से बिना गुठली के गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए, अब गैस स्लो ही है, मैं इस तरह से इसे सुखा रही हूँ। करीब करीब 2 से 3 मिनट लगे हैं। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके का मावा बन गया है, इसमें एक भी गुठान नहीं है। आपने देखा, सूजी का मावा इस तरीके से परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है, क्योंकि हमने जो दूध रखा था उसमें जब हल्का सा उबाल आना शुरू हो तभी आप धीरे धीरे सूजी को डालकर उसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए, जिससे उसमें कोई भी लम्स ना आए। अब इसे हम निकाल देते हैं। जब तक सूजी ठंडी हो तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं 1.5 कप चीनी डाला है। मैं इसमें अब 3 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। केसर भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलायची से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आपने सूजी के कई गुलाब जामुन पहले बनाकर के देखे होंगे, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स की वजह से ये गुलाब जामुन बहुत ही अमेजिंग बनेगी। अब धीरे धीरे चाशनी जब तक पक रही है, हमें बहुत तार वाली तो नहीं चाहिए, बस चिपचिपी गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए। लेकिन तब तक मैंने यहाँ पर जो सूजी निकाल कर रखी है उसे पूरा ठंडा नहीं होने देना है, हथेली से इसे मुझे मैश करना है। मैश करते टाइम हथेली में अगर आपको हल्का सा लगे कि कोई भी गुठली है, हल्की सी भी, उसे आप निकाल दीजिए। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी यूज़ नहीं किया है। अगर आपको चिपचिपा फील हो तो 1/2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। अगर आप इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर डालेंगे तो डो बिखर जाएगा। मुझे इसे अच्छे से मैश करना है, जिससे हमारा गुलाब जामुन बहुत ही सुपर सॉफ्ट बने। ये देखिए, बिल्कुल डो ऐसा हो गया है। जब तक हमने डो को सॉफ्ट बना लिया है मैश करके, तब तक हमारी चाशनी भी पक गई है। अब हम इसे देख लेते हैं।
कि चिपचिपी है या नहीं। ये चिपचिपी हो गई है, अब बस हम गैस को बंद कर लेंगे। अब चलते हैं इस गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। यहाँ आपको छोटा सा चम्मच लेना है और इसी से नाप लेते जाइए और गुलाब जामुन को हथेली पर इस तरीके से गोल गोल करते जाइए। आप चाहे तो इसे घी में बनाइए या रिफाइंड ऑयल में बनाइए। यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि इस गुलाब जामुन का आटा कितना बढ़िया है। एक तो गोल बैठ रहा है, कभी भी फ्लैट नहीं हो रहा है, मतलब परफेक्ट पका हुआ है, ज्यादा गीला नहीं है। दूसरी चीज इसमें आप ये देखिए कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। अगर ये दो चीजें आपके साथ भी हो तो बस आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई भी बनाकर भी आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने अब गुलाब जामुन बना लिया है, करीब 30 से 40 गुलाब जामुन बने हैं। तो अब बारी है इसे फ्राई करने की, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर एक ट्रिक है, अक्सर जो हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसके लिए बहुत धीमी गैस रखते हैं, क्योंकि वो गुलाब जामुन मावे के या पनीर के या मिल्क पाउडर के होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सूजी के हैं तो आपको इसे मीडियम से लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, और ऑयल का भी जो टेम्परेचर है वो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं और बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग इसमें गुलाब जामुन को डाल लेंगे। गुलाब जामुन को थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ा पकने के बाद कुछ सेकेंडों के बाद ही आप इसे चलाना शुरू कीजिए। ये देखिए गुलाब जामुन किस तरीके से फ्राई हो रहा है, बिना किसी टेंशन के, ना तो चिपक रहे हैं ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर भी ट्रिक है, जैसे ही गुलाब जामुन फ्राई हो जाए तो वैसे ही इसे चाशनी में डाल लीजिए। अब बचे हुए गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेते हैं। हमारा बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनेगा, ना तो इसमें कोई गुठली होगी, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनेगा। जो खाएगा आपको यही कहेगा कि ये मावे के नहीं है, तो फिर कैसे बनाए आपने ये गुलाब जामुन। ये देखिए बचे हुए गुलाब जामुन भी फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम लोग चाशनी में डाल लेते हैं। अब हमारे गुलाब जामुन बन करके रेडी हो चुके हैं। हमारा गुलाब जामुन सुपर सॉफ्ट बना है और एकदम परफेक्ट बना है। हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई की तरह बना है। अब इस पे मैं बादाम से गार्निशिंग कर रही हूँ कि ताकि ये इसकी खूबसूरती के साथ साथ स्वाद भी बढ़ जाए। ये इतना टेस्टी और सॉफ्ट बना है कि इसे जब भी कोई खाएगा तो आपकी तारीफ करते थकेगा नहीं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गुलाब जामुन बनाते हैं तो आपके गुलाब जामुन ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी को आप अपने घर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। ऐसी रेसिपीज़ के लिए माही सुपर किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप चाहे तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अगली रेसिपी कौन सी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।